नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीर गुजर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुजर जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में हुए चुनाव की। राजस्थान में सभी को पता है कि कांग्रेस आ चुकी है। पांच राज्य के जो चुनाव हुए उनमें से तीन राज्यों में कांग्रेस अपनी जगह बना चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर राजस्थान में सीएम पद के लिए जो खींचातानी चल रही है, जो एक आपसी तनाव चल रहा है, कल 5 घंटे कांग्रेस की बैठक होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कांग्रेस के सभी विधायक वहां मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुर्जर समर्थक इतने सारे मौजूद थे, हजारों की लाखों की तादाद में वो बाहर कार्यालय के बाहर खड़े थे और वो मांग कर रहे थे कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। तो उसी को लेकर सचिन पायलट क्योंकि गुर्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समुदाय के मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये मांग कितनी जायज है। जी अनुराग जी। जी अंकित जी, ये मांग 100% ही जायज है जी, क्योंकि आप देखेंगे कि मृत शैया पर पड़ी हुई कांग्रेस को जो रिवाइव किया है राजस्थान में, और वही राजस्थान की वेव मध्य प्रदेश में पहुंची और वही वेव छत्तीसगढ़ में पहुंची जी। और उसको रिवाइव किसने किया, उसको पिछले 4 वर्षों से जो सचिन पायलट जी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल फर्श पे पड़ी हुई कांग्रेस को अर्श पे पहुंचा दिया राजस्थान में। और खाली सचिन पायलट ही नहीं, पूरी देखिए कांग्रेस पार्टी में 3 विंग होती है। एक तो मेन विंग होती है जैसे जिसमें जिसके प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। दूसरी होती है यूथ विंग, उसकी कमान भी गुर्जर हैं, मतलब जो अशोक चांदना जो यूथ के प्रेसिडेंट थे उनके हाथ में थी। और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो थी वो शकुंतला रावत जी थी। तीनों ही विधायक जीते हैं अब की बार। तो ये मांग बहुत जायज है, इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है और सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं जी। लाठियां खा खा करके इन लोगों ने दोबारा उस चीज को मतलब पुनः प्राप्त किया। तो अब यह है, देखिए जिस मेहनत जो करेगा फल उसी को मिलना चाहिए। लाठी ये खाएं तो लड्डू भी तो इन्हीं के उसमें होने चाहिए, मगर लड्डू की जगह हर बार लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। तो अब की बार लॉलीपॉप से बात बनेगी नहीं। समाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्णय ले चुका है इस चीज पे कि भाई देखिए बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया वहां पे जी। और इस बात को 1 महीने पहले 1 नवंबर को जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे, उनको ये बात मैं लिखित में दे के आया था कि जिस प्रकार समाज की अपेक्षा करी जा रही है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में देखिए गुजरों को ही हरा दिया, गुजरों ने बीजेपी को जिताया, और वहां रिजल्ट क्या है, एक भी हमारे समाज का मंत्री नहीं बनाया गया जी। जबकि जो सबसे इस टाइम वर्तमान में जो भाई एक अकेले अवतार सिंह भड़ाना एक ऐसे मैं ये बोलूंगा नेता हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के चुनाव जीत के दिखाया है और उनकी योग्यता किसी से छुपी हुई नहीं है, उनकी अपेक्षा करी गई। अच्छा बोल, अगर युवाओं की कही जाए तो युवा दो दो अच्छे युवा हैं वहां पे, सोमेंद्र तोमर है मेरठ से या नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से जीते। तो ऐसा नहीं है, ये केवल ये है अपेक्षा करी गई है। और ये चीज हम लिखित में देके आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, आगामी चुनावों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, और वही चीज हुई है। राजस्थान में एक भी गुर्जर नहीं जीता बीजेपी से, ये देखिए आप। तो सचिन पायलट जी के चक्कर में सूपड़ा हिसाब कर दिया जी। एक तरफ गहलोत जी हैं जिनके साथ कहा जाता है कि 60% विधायक उनके साथ नहीं है। नहीं, सचिन पायलट हैं जिनके साथ पूरा यूथ है, पूरा समाज जुड़ा हुआ है। नहीं, दो तिहाई बहुमत जी विधायकों का, 2/3 बहुमत सचिन पायलट जी को चाहता है जी। और अभी आपको एक बार बताऊं, जो एक और पार्टी है और जाट समाज के माने हुए नेता हैं हनुमान बेनीवाल जी, उनके भी 3 विधायकों का ये आ रहा है अभी चैनलों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने भी बोला कि सीएम चाहिए हमें सचिन पायलट जी। बसपा के 6 विधायक जो समर्थन दे रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सचिन पायलट जी सीएम चाहिए जी। तो आज ये है जिस व्यक्ति ने मेहनत करी है भाई, 4 वर्षों तक लगातार जिस टीम ने मेहनत करी है उनको उसका फल मिलना चाहिए। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आज सुबह 11 बजे मेरे पास जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है अमेठी, वहां से फोन आया जी। वहां पर इनामुल्ला गुर्जर जी हैं, बोकण गोत्र के गुर्जर हैं, वहां मुस्लिम गुर्जरों की अच्छी संख्या है, 3.5 लाख वोट हैं वहां मुस्लिम गुर्जरों के। उन्होंने प्रदर्शन किया
सुबह वहां पर उन्होंने बताया, बोला जी हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को सीएम बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया गया जी। तो 2019 में इसके परिणाम यहाँ भुगतने को मिलेंगे। वो मैं आपसे चाहूंगा कि कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम के बाद आप उस जो उन्होंने क्लिपिंग भेजी है जी। वो क्लिप भेजी है उसको जरूर दिखाएं, जिससे कि पूरे देश को पता चले कि गुर्जर समाज पुनः जागृत हो रहा है। एक बार दोबारा जो गुर्जर प्रतिहारों का स्वाभिमान है वो जागृत हो रहा है और ये समाज जाग रहा है। अब देखिए जिस प्रकार से हराया है, मेन बात यह है, नौ लोगों को विधायक का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, 9 के 9 हरा दिए। सिर्फ किस लिए भाई? मुख्यमंत्री हमने सचिन पायलट जी को बनाना है तो एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से जाग रहे हैं जी, ये देखिए इनको एक चीज तो आ गई है, इन्हों हराना तो आ गया है इनको जी। अब बहुत जल्दी ये सत्ता में जीत कैसे होती है उसकी तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। जीतना भी जिस दिन सीख लेंगे उस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, मैं बताऊं आपको। मैं अगर अनुराग जी कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो क्या देखने को मिलेगा? क्या इसी तरह के दंगे फसाद होंगे या क्या होगा? नहीं, दंगे फसाद नहीं होंगे जी। वही हाल होगा जो राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जी, जो राजस्थान या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हुआ है वही 2019 में कांग्रेस का होगा, वही हाल जी। जितने गुर्जर हैं उन्होंने एक तरफा वोट किया, एक तरफा जवाब ही लगा लो कि वो भाई भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और सचिन पायलट को बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने जो जिनको टिकट मिली वो ही नहीं बख्शे तो इन्हें क्या। और तो आगामी चुनाव में भाई इतनी उम्मीदें हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं जी, और अगर वो पूरी ना हो जी, आजादी के बाद अब तक, आजादी से बाद से अब तक एक भी गुर्जर को मुख्यमंत्री नहीं बना है, ये पहला, और लोग तो बोल रहे हैं पहला और अंतिम अवसर है ये जी। तो इसलिए समाज लामबंदा, देखिए आप AICC के बाहर या और जितने भी ये मुख्य जो है कार्यालय हैं कांग्रेस के बाहर कितने गुर्जर युवा खड़े हुए हैं वहां पे जी। और खाली गुर्जर ही नहीं, पूरे राजस्थान की आवाज है ये। तो अनुराग जी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की ये एक चाल थी कि उनको UP से राजस्थान भेज दिया गया ताकि सभी गुर्जर उनको वोट दें? किनको? सचिन पायलट? नहीं, वो तो राजस्थान से उनके पिताजी का भी वो भाई ठीक है, उनके पिताजी का जन्म वैदपुरा में हुआ जो यूपी में पड़ता, मगर उनकी कर्म भूमि तो राजस्थान ही रही है जी, वहीं से इन्होंने करा है। तो अगर अनुराग जी देखा जाए तो जैसे मानते हैं कि गहलोत जी जो हैं वो काफी सक्षम नेता रहे हैं अभी तक, अगर लोगों का कहना है कि उनको काफी सारा एक्सपीरियंस है, और जो हमारे सचिन पायलट हैं वो एकदम नौजवान और यूथ उनके साथ जो है, तो इसमें आप कितना अंतर मानते हैं कि क्या एक युवा नेता क्या एक सीएम पद को नहीं संभाल सकता या गहलोत जी जो नहीं, युवा तो देखिए जीवन में जो भी होता है वो युवा अवस्था में ही होता है जी। भाई आपका कैरियर हो या आपका विवाह हो या संतान प्राप्ति हो, जो भी होती है वो युवा में ही होती है। तो क्योंकि जो युवा होता है वही एक ऐसा पीरियड होता है जीवन का कि जिसमें आदमी की भविष्य की दिशा तय होती है जी। तो अनुभवी तो सचिन पायलट भी देखिए आप भाई पिछले 15 साल से राजनीति में हैं जी। तो 15 साल से का अनुभव को अगर आप अनुभव नहीं मानते तो मैं इस चीज को क्या कहूं जी, जी। तो अनुभवी तो है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर उनको सीएम पद से नकारा जाता है या उनको सीएम पद पर नहीं दिया जाता तो गुर्जर समुदाय में रोष देखने को मिल सकता है? नहीं, वही हाल होगा, मैंने बताया जो BJP का हाल होगा वही कांग्रेस का होगा 2019 में। तो अंत में आखिर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे गुर्जर समुदाय को, साथ में सचिन पायलट के लिए जो शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है कि वो वहां पर एक पद उनको मिलने जा रहा है और हो सकता है कि उनको आज ही ये पद, क्योंकि 5 घंटे जिस हिसाब से कल कांग्रेस की बैठक हुई उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आज उसका राहुल गांधी खुद अपने फोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में सीएम कौन बनने जा रहा है, इसके लिए अब आप क्या कहेंगे? देखिए जी मैं फिर वही बात बोलूंगा आपसे, जिसने लाठी खाई है जी लड्डू उसे ही मिलना चाहिए, लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। क्योंकि देख लिया आपने 5 साल वसुंधरा सरकार ने लॉलीपॉप दी, उसका परिणाम आप देख लीजिए क्या हुआ है जी। आरक्षण पर स्पष्ट कोई उनका मतलब निर्णय नहीं आया, तो उस चीज पे देखिए अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सेकंडों में चीजें मतलब कहां से कहां पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं, बताऊं जी। बिल्कुल।
तो अब देखना होगा कि आखिर राजस्थान में सीएम पद किसको दिया जाता है। पूरा यूथ और पूरा गुर्जर समुदाय चाहता है कि सचिन पायलट को नियुक्त किया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर एक जिनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस और एक तरफ यूथ, यूथ को भी एक्सपीरियंस है। अभी अनुराग जी ने बताया कि 15 साल उनके भी दिए हुए हैं, तो आखिर देखना होगा कि एक तरफ एक युवा नेता और एक तरफ एक एक्सपीरियंस इंसान, तो दोनों में से राहुल गांधी किसको चुनते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल भी। नहीं, एक चीज और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें जी, किसी भी बहकावे में किसी के भड़कावे में ना आए जी, क्योंकि जो एक कहावत है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान सर, मूर्ख काटे रोए। तो यह बिल्कुल ध्यान से जिस प्रकार से जवाब राजस्थान के चुनावों में या मध्य प्रदेश के चुनावों में दिया गया जी, उसी प्रकार 2019 में चुनावों में जवाब दिया जाना चाहिए, अगर जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल ना हो, कोई भी किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा ना दिया जाए। सोशल मीडिया पे झूठ बहुत चलता है जी, एक अभी सोशल मीडिया पे झूठ चल रहा है कि मध्य प्रदेश के जो 6 गुर्जर विधायक जीते हैं उन्होंने भी ये बोला है कि भी हम पार्टी के साथ नहीं देंगे। तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें जी, उनसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। और ऐसी अफवाहों को अगर आप बढ़ाओगे तो और जो मंत्री पद बनने वाले होंगे उनमें से भी उनका भी नाम कट जाएगा। हुकुम सिंह कराड़ा जी और एदल सिंह कंसाना जी की बहुत ज्यादा संभावना है मंत्री बनने की अब की बार मध्य प्रदेश में। तो मैं यही बोलूंगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें जी, किसी भी हिंसा से दूर रहें, शांति बनाए रखें और संयम से कार्य करें मैम जी, क्योंकि आप लोग क्या हैं, आप लोग गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज हो, आपके ऊपर भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है, निश्चित ही आपको, आप ये देखिए ना कि भाई जो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है वहां आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया उन लोगों ने, इतने बिल्कुल अपने आप, तो ये एक अंदर से जागृति है ना। 3.5 लाख गुर्जर जो वहां के अमेठी के, वो बिल्कुल एकदम आंदोलित हैं वो इस समय जी जी। और आप देखिए वो वीडियो में देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, वीडियो हमारी इसके बाद वीडियो दिखाएंगे आपको, आप उसमें देखना क्या निर्णय है उनका, क्या कह रहे हैं वो जी। तो अब देखना होगा कि आखिर ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा या आखिर अब सचिन पायलट को सीएम का पद दे दिया जाएगा। तो अभी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे सचिन पायलट जी ने राजस्थान में 5 साल तक खून पसीना एक कर कांग्रेस को बहुमत में लाए, परंतु आज हमारे समाज को, हमारे गुर्जर समाज को पीछे किया जा रहा है। जैसा कि मैं अमेरिका गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष इनामुल्ला गुर्जर हूँ और ये हमारे नए प्रधान जी हैं सोना से, ये गुर्जर समाज के महासचिव हैं और ये सब हमारे गुर्जर भाई अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अमेठी लोकसभा से हैं और हम लोगों की मांग है अगर अमेठी के गुर्जर समाज की मांग है कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो हम लोग आने वाले 2019 में कांग्रेस का विरोध करेंगे, राहुल गांधी का विरोध करेंगे और सचिन पायलट राजस्थान में सचिन की सरकार चाहिए। यह हमारे अमेठी के गुर्जर समाज की आवाज है, अमेठी के गुर्जरों की आवाज। सचिन पायलट है राजस्थान के सीएम, जिंदाबाद। ये लीजिए, ये हमारे अमेठी के डॉक्टर रामलाल अजमी जी हैं गुर्जर समाज से। हम लोग अमेठी से हैं और गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को
सीएम बनाया जाए। अगर सचिन पायलट सीएम नहीं बनेंगे तो राहुल गांधी का हम लोग यहाँ मुखर जवाब देंगे। 2019 में राहुल गांधी को यहाँ से हरा कर उनको दिल्ली भेजेंगे, इसका जवाब हम लोग 2019 में देंगे। हमारे अमेठी के गुर्जर समाज की एक ही आवाज है, राजस्थान का सीएम सचिन पायलट जी को बनाया जाए और ये सब पे जुबान पर है। सचिन पायलट जिंदाबाद, 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 सचिन पायलट जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी को इनामुल्ला भाई हमारे बता चुके हैं कि गुर्जर समाज के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित और मौजूद है, हम सभी के बीच में हमारे सारे बच्चे और हमारा पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दिया जा रहा है। अगर हम कांग्रेस सरकार से हम इस बात को उनके काम तक पहुंचाना चाहता हूँ, यदि अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आने वाले 2019 में हम लोग अमेठी से बढ़ चढ़ के उनका विरोध करेंगे और हम तो उनके अगेंस्ट जाएंगे। इस वजह से हमारा ये कहना है कि आने वाले 2019 के लिए अगर उनको जीतना है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, गुर्जर समाज, गुर्जर समाज, अमेठी से।